शाम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अब अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि हमारे जंगल वतन वापस लौट जाओ, वरना हम तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देंगे। लेकिन शासन ने इसको अनसुना करते हुए मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथी उन्हें छुड़ाने में कामयाब रहे। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी। बिरसा मुंडा ने भी जेल से निकलकर इसको ठंडा नहीं होने दिया। उनके खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनी। वहां मौजूद कुछ लोग चाहते थे कि शांति से विद्रोह किया जाए, जबकि ज्यादा लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनके हिसाब से जमाना बदल चुका था, इसलिए उन्हें हथियारों का सहारा लेना चाहिए। बिरसा मुंडा ने भी इस पर और स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के एक छोटे से गांव उलिहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के उत्पीड़न के खिलाफ निडर होकर लड़ाई लड़ी। उनका जीवन साहस की मिसाल था। उन्होंने आम लोगों को और प्रतिरोध की ताकत पर प्रकाश डाला। उनकी वीरता और स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प को देखते हुए भारत सरकार ने 2021 में 15 नवंबर को जनजाति दिवस के रूप में घोषित किया। 24 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 रांची सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, कक्षा ए पहली और दूसरी के लिए 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका उत्तर सही है, जनजाति दिवस। दूसरा प्रश्न तीसरी चौथी और पांचवी कक्षा के लिए, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? आपका उत्तर सही है, उलिहातू में, झारखंड में। तीसरा प्रश्न छठी सातवीं और आठवीं के लिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपका उत्तर सही है, 9 जून 2002 रांची में। चौथा प्रश्न नौवीं और दसवीं कक्षा के लिए, भारत सरकार ने किस वर्ष में 15 नवंबर को जनजाति दिवस घोषित किया था? आपका उत्तर सही है, 2021। पांचवा प्रश्न 11वीं और 12वीं के लिए, जनजाति दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत, आपका उत्तर सही है, भारत के आदिवासी समुदाय के अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए। धन्यवाद एवं शुक्रिया।